अस्सलाम वालेकुम। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर या एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये तमाम मालूमात इंटरनेट और मेरी जाती तहकीक और मुताले पर मबनी है। इस वीडियो को देखने से पहले मेरा आपको मशवरा है, किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट से पहले अपने तौर पर रिसर्च और मालूमात इकट्ठी कर लें। इस वीडियो को देखने के बाद हम आपकी की गई किसी भी इन्वेस्टमेंट के नफा नुकसान चोरी वगैरह के जिम्मेदार नहीं होंगे। ये वीडियो सिर्फ आपकी मालूमात के लिए बनाई जा रही है। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। जी व्यूअर्स, आपका वेलकम करता हूँ आपके अपने ही चैनल बेस्ट क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि मेरी नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो व्यूअर्स, आपको मालूम है कि हम बाइनेंस स्मार्ट चेन वॉलेट से रिलेटेड बात करें, और बाइनेंस स्मार्ट चेन वॉलेट में आज हम डिस्कस करेंगे कि पैज बिटकॉइन, बिटकॉइन टोकन जो पैज है बाइनेंस का, वो हम कैसे ऐड कर सकते हैं अपने बाइनेंस स्मार्ट चेन वॉलेट में। जैसे हमने दूसरे टोकन ऐड किए तकरीबन वैसे ही है, लेकिन अब बिटकॉइन टोकन जो है पैज, वो भी आप ऐड कर सकते हैं और बाइनेंस स्मार्ट चेन का नेटवर्क यूज़ करते हुए आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो टोकन का आप कैसे ऐड करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो में दूंगा। वीडियो को अपने एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको समझ आए, ओके। और अगर आपको यही इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में चाहिए, इफ़ यू नीड टू गेट सेम इन्फॉर्मेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज, देन यू कैन ज्वाइन माई अदर चैनल क्रिप्टो वॉलेट्स इन्फो। मेरा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्रिप्टो वॉलेट्स इन्फो, अगर आपको इंग्लिश में इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम बिटकॉइन पैज टोकन को कैसे ऐड कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा, वीडियो के अंत तक लाजमी देखना, ओके। अगेन स्किप नहीं करना। तो सबसे पहले हम अपना जो है ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ब्राउज़र ओपन, और यहाँ पर देखिए हमारा ये बाइनेंस स्मार्ट चेन वॉलेट है। पहले हम कॉइन मार्केट कैप को ओपन कर लेते हैं ताकि आपको समझ आए प्रॉपरली। कॉइन मार्केट कैप हमने ओपन कर लिया यहाँ पे, और बिटकॉइन की प्राइस तकरीबन 19,803 डॉलर है, और तकरीबन वन वीक से प्राइस इसी जगह पे घूम रही है, कोई थोड़ा सा ऊपर जाते कोई थोड़ा सा नीचे आया था बिटकॉइन। और इथेरियम की प्राइस 1500 डॉलर प्लस है, और यहाँ पे अगर हम देखें ट्रेंडिंग में अभी पैनकेक स्वैप है, इथेरियम है और शिबा इनू है जो 1% अप हो चुका है। वैसे कल परसों जो है लूना क्लासिक था। और अगर हमने बिटकॉइन को देखना, हमने इस बिटकॉइन को जो है टोकन को, बिटकॉइन है, बिटकॉइन को पैच हमने ऐड करना है अपने बाइनेंस स्मार्ट चेन वॉलेट में। ये हमारे पास बिटकॉइन ओपन हो चुका है। यहाँ पे अगर हम इसको ऑल पे क्लिक करें तो हमारे सामने इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पे देखें 2013 में तकरीबन 145 डॉलर का था, और ऑल टाइम हाई तकरीबन इसका 69,000 डॉलर, 70,000 डॉलर के करीब था तकरीबन 2021 में। 10 साल में 145 से 70,000 डॉलर तक बिटकॉइन गया। और अगर आपने इसका आर्टिकल रीड करना है कि बिटकॉइन है क्या, बिटकॉइन इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टोकरेंसी ओरिजिनली डिस्क्राइब इन 2008 वाइट पेपर बाय पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल्स। और बिटकॉइन इज़ अ पीयर टू पीयर ऑनलाइन करेंसी, मीनिंग दैट ऑल ट्रांजेक्शन हैपन डायरेक्टली बिटवीन इक्वल इंडिपेंडेंट नेटवर्क पार्टिसिपेंट विदाउट द नीड फॉर एनी इंटरमीडिएटरी। तो आपको ये जो है यहाँ से पूरा आर्टिकल रीड कर लें बिटकॉइन के बारे में, तो आपको सारी समझ आ जाएगी। और इनको अगर आप चेंज करना चाहते हैं, आप चेंज करने के लिए आपके पास यहाँ पर देखें काफ़ी सारे एक्सचेंजेस मिल जाएंगे आपको। ये बाइनेंस है, कॉइन बेस एक्सचेंज है, FTX है, काफ़ी सारे एक्सचेंजेस मिल जाएंगे आपको। और अगर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना तो यहाँ पे जाएं, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और अगर आपने इसके कोर वॉलेट को डाउनलोड करना है, वो भी इन्फॉर्मेशन मेरे यूट्यूब चैनल पे डाउनलोड पे मिल जाएगी। लेकिन कोर वॉलेट का प्रॉब्लम ये है कि कोर वॉलेट पे अगर आप जाते हैं तो आपको पूरा ब्लॉकचेन का डाटा डाउनलोड करना पड़ता है, फिर आप बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन कर पाते हैं कोर वॉलेट में। और कोर वॉलेट का जो डाटा है तकरीबन 500 GB प्लस है, और तकरीबन कोई 1 मंथ से ऊपर चाहिए आपको कोर वॉलेट के जो है ब्लॉकचेन के डाटा को डाउनलोड करने के लिए। यहाँ पे चूज़ वॉलेट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप इजीली जाके डाउनलोड कर सकते हैं अपने कोर वॉलेट को। हम खैर इसको ऐड करना चाह रहे हैं अपने बाइनेंस स्मार्ट चेन वॉलेट में, वापस जाते हैं। यहाँ पे देखें हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस नहीं मिलेगा, तो हमें क्या करना है, टोकन के लिए BSC स्कैन को ओपन करेंगे। यहाँ से एक्सप्लोर को हम ओपन कर लेते हैं। ये एक्सप्लोरर ओपन हो गया, कोई सा भी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस टोकन का कॉइन का आपने फाइंड करना हो तो यहाँ से जाके फाइंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जाके BTC लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे पास पैच आ गए, BTC पैच, BTC B टोकन, ये टोकन आ गया, इसको हम क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद हमारे पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है यहाँ पे जो हमें चाहिए, और ये टोकन है पेज टोकन है जो आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं इसकी बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर। हमने इसको यहाँ से कॉपी किया है और यहाँ से हमने बाइनेंस स्मार्ट चेन वॉलेट को ओपन करना है ताकि हम इस टोकन को, इस कॉइन को ऐड कर सकें बिटकॉइन के पेज को। इंटर पासवर्ड, पासवर्ड इंटर कर दिए। पासवर्ड आपने इंटर करने के बाद अब सिंपल जो है अपने अनलॉक कर देना है इसको। जब इसको आप अनलॉक करेंगे तो आपके पास आपका वॉलेट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमने पहले भी जो है ऐड किए हैं, लेकिन आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल करना है, अपने यहाँ से नेटवर्क को चेंज करना है। एथेरियम नेटवर्क का यहाँ पे अपने बाइनेंस स्मार्ट चेन नेटवर्क को यूज़ करना है, एथेरियम को नहीं करना, बाइनेंस स्मार्ट चेन को यूज़ करना है, ठीक है। बाइनेंस स्मार्ट चेन की फीस बहुत माइनर सी है। अब यहाँ पे हमारे पास पहले से काफ़ी सारे कॉइन ऐड हैं, USDT है, नियर प्रोटोकॉल है, डाई है, एटम है, ऐड है। अब हमने नया कोई कॉइन ऐड करना था, हम प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कस्टम एसेट्स की ऑप्शन आ रही है। अब हम जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पेश करेंगे, अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस और हमारा नेटवर्क ठीक होगा तो देन हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो जाएगी। पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे देखिए हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन शो हो गई है। डेसिमल भी आ रहा है और बाइनेंस पेज भी आ रहा है, टोकन है ये और इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी आ रहा है। सिंपल इज दैट हमने एड एसेट्स पे जाके क्लिक कर देना है। सो जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखें, ये हमारे पास पेज ओपन हो गया, यहाँ पे पेज आ गए। यहाँ पे देखें, मैं क्लिक कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए, ये BTCB पेज है, टोकन है ये, आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, सेव करना लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं, इसका आपने बैकअप लास्ट भी ले लेना। रसीद पे जाएंगे तो ये आपका वॉलेट एड्रेस है पेज का, BTC पेज टोकन का ये वॉलेट एड्रेस है, इसको आपने संभाल के रखना है क्योंकि यही आपका एड्रेस है, इसके ज़रिए आप डिपॉजिट करेंगे। लेकिन आपने इसमें बिटकॉइन डिपॉजिट करते हुए BIP20 नेटवर्क को यूज़ करना है, बाइनेंस स्मार्ट चेन के नेटवर्क को, देन ही आपका बैलेंस यहाँ पे शो होगा। ओके व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको प्रॉपरली समझ आ गया। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम, कहीं पे कोई इशू है, कोई इशू वाली बात नहीं है, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं बिलो दिस वीडियो या मुझे आप डायरेक्टली मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल एड्रेस पे bestcryptocurrencywallet पे। मैं जल्द से जल्द जो है आपकी मेल को रीड करूँगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। और समटाइम अगर मैं आपको लेट रिप्लाई करता हूँ तो इसका बुरा मत मनाया करें, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी होता हूँ, जैसे फ्री टाइम मिलता है तो मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ। और अगर आपको इंग्लिश में इंफॉर्मेशन चाहिए तो सेम मेरा दूसरा चैनल है क्रिप्टो वॉल्ट्स इन्फो, इसको जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें मेरी सारी वीडियो इंग्लिश में है और बेस्ट क्रिप्टो करेंसी वॉल्ट्स में सारी वीडियो उर्दू में है, दोनों लैंग्वेज इसलिए बना रहा हूँ। समटाइम जो है कुछ लोग होते हैं वो इंग्लिश में समझते हैं और कुछ लोग उर्दू में, तो दोनों चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए बेटर होगा। ओके, बाकी कोई इशू कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट्स कर दिया करें वीडियो के नीचे। तो वीडियो को स्टॉप से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। ओके, मिलते हैं अपने कल की नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।